फ्रेंड ये क्वेश्चन है हमारे पास, द एज्यूम्पशन मेड इन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आई इन नो पासिंग रूल मीन। नो पासिंग रूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास जॉब कैन नॉट बी प्रोसीड ऑन सेकेंड मशीन अनलेस इट इज प्रोसीड ऑन फर्स्ट मशीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है अपने पास फ्रेंड्स, वो है द टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मशीन टू बी ऑपरेटेड इज फिक्स्ड इन अ प्रॉब्लम हैविंग एन मशीन एंड टू जॉब्स। अ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज इनफिजिबल इन केस ऑफ, जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होगी वो इनफिजिबल होगी किस केस में होगी फ्रेंड्स, वो है इसका करेक्ट आंसर है अपने पास थ्री मशीन एंड एन जॉब्स। If a two job and n machine problem lies on 45 degree representation, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ग्राफ में हम टू जॉब एंड एन मशीन का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है 45 डिग्री रिप्रेजेंटेशन पे है वो। Both job are under processing. If two job and n machine problem are elapsed time for job one is calculated for job one, job one is represented the x axis on. तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास 28 का फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब वन प्लस टोटल लेंथ ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, इन अ टू जॉब्स एंड एन मशीन सीक्वेंस, इन अ टू जॉब एंड एन मशीन सीक्वेंस प्रॉब्लम द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ ग्राफ इंडिकेट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या इंडिकेट करती है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब वन, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब वन। और थर्ड क्वेश्चन नंबर 30 है ये अपने पास, इन आर टू जॉब एंड मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द वर्टिकल लाइन ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स, जो वर्टिकल लाइन होती है वो इंडिकेट करती है प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब टू। इन आर टू जॉब एंड एन मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम वी फाइंड दैट, टू जॉब एंड एन मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में हम क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम एंड आइडल टाइम ऑफ बोथ द जॉब इज सेम।